हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि खुद को ब्रांड कैसे बनाएं। सो अगर आप भी खुद को ब्रांड बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको ऐसे 3 टिप्स दूंगा जिनको फॉलो करने के बाद आप खुद को ब्रांड बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारी टिप नंबर 1 है कि नॉलेज लो। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो और चाहते हो कि सभी लोग आपको जाने, आपका नाम हो, तो कोशिश करो कि जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, जहां पे भी आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो, तो उस फील्ड की अच्छे से नॉलेज ले लो। क्योंकि अगर आपके पास उस फील्ड की अच्छी नॉलेज होगी तो उस चीज में आप काफी अच्छा कर पाओगे और अपना नाम भी बना पाओगे। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आप उस चीज में ब्रांड बनाना चाहते हो तो कोशिश करो कि नॉलेज लो। अगर आप नॉलेज नहीं लोगे तो उस जगह पे आप अपना अच्छा काम नहीं कर पाओगे और अपना नाम ज्यादा नहीं बना पाओगे और नॉर्मली रह जाओगे। सो कोशिश करो कि अपने आपको ब्रांड बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लो उस फील्ड के बारे में, ताकि उस चीज के बारे में आपको अच्छे से पता हो और आप उस चीज में काफी अच्छा कर पाओ। सो ये हमारी टिप नंबर 1 कि नॉलेज लो। और हमारी टिप नंबर 2 है कि टैलेंट दिखाओ। अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो और चाहते हो कि सभी लोग आपको जाने, तो कोशिश करो कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है उसे दिखाओ लोगों को। क्योंकि अगर आप अपना टैलेंट नहीं दिखाओगे तो किसी को नहीं पता लगेगा कि आपके अंदर क्या टैलेंट है और आपको क्या आता है। सो कोशिश करो कि अपना टैलेंट लोगों को दिखाओ, बाहर जाओ, लोगों से मिलो, नए नए दोस्त बनाओ और लोगों को बताओ और अपना टैलेंट दिखाओ। उसके बाद ही लोग आपको जानेंगे और आप अपने आप को ब्रांड बना पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं घर बैठा रहूंगा और किसी को नहीं बताऊंगा और खुद को ब्रांड भी बना लूंगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। तो कोशिश करो कि आप बाहर जाओ, लोगों को अपना टैलेंट दिखाओ और उसके बाद लोगों को पता लगेगा कि आप में क्या टैलेंट है, उसके बाद आप अपने आप को ब्रांड बना पाओगे। सो ये हमारी टिप नंबर 2 कि टैलेंट दिखाओ। और हमारी टिप नंबर 3 है कि इन्वेस्टमेंट करो। जिस भी फील्ड में आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं और चाहते हैं सभी लोग आपको जाने, तो कोशिश करो कि उस फील्ड में आप अपने पैसे इन्वेस्ट करो, अपना टाइम भी इन्वेस्ट करो, ताकि उस चीज़ को आप काफ़ी अच्छा कर सको, बेहतर बना सको। और आप पैसे इन्वेस्ट करके कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद सकते हो जो आपकी हेल्प करेगा उस फील्ड में, आपको बेहतर बनाएगा और आपके काम को ज़्यादा अच्छा कर देगा। सो कोशिश करो कि जिस भी फील्ड में आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाह रहे हो उस चीज़ में इन्वेस्ट करो। आप कार्ड भी छपवा सकते हो ताकि आप लोगों को दे सको, और इसके बाद आपको धीरे धीरे करके आपका फील्ड में आपकी काफी अच्छा नाम हो जाएगा और धीरे धीरे करके आप अपने आप को ब्रांड भी बना पाओगे। सो कोशिश करो कि जिस भी फील्ड में आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो उस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करो, अपने पैसे इन्वेस्ट करो, एडवर्टाइजमेंट करो, कार्ड छपवाओ, जो भी आपको अच्छा लगता करो, और कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लो जो कि आपकी हेल्प करेगा आपकी फील्ड में, आपको और बेहतर बनाने में और आपको ब्रांड बनाने में। सो ये हमारी टिप नंबर 3 कि इन्वेस्टमेंट करो। ये थी हमारी 3 टिप्स जिनको फॉलो करने के बाद आप अपने आप को ब्रांड बना पाएंगे और सभी लोग आपको जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास फॉर सक्सेस। थैंक यू।